नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशेष एकेडमी में। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि एक बैंक होता है या कोई व्यापारी होता है जो ब्याज पे पैसे चलाता है, इंटरेस्ट पे पैसे चलाता है, और अपने पैसे को एक्सेल में किस तरह मेंटेनेंस बना के रखता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा कंप्यूटर एवं ऑनलाइन से संबंधित जो भी जानकारी आए वो आप तक सीधे पहुँच सके। तो चलिए, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ हूँ, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके जो है यहाँ पे ब्याज निकाली जाती है, उसका अमाउंट निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले सीरियल नंबर दे दूँ, तो सीरियल नंबर 1 हो गया। इसको जो है यहाँ माउस पॉइंटर लेकर के, जैसे ये ब्लैक कलर का प्लस निशान आता है, उस माउस की लेफ़्ट बटन दबाए दबाए जो है नीचे की ओर ड्रैग करिए। जैसे आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो आपके जो सेल हैं वो सेलेक्ट होते जाएंगे और उनमें जो है ऑटोमेटिकली ये सीरियल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी 1-1 आया है, इसको जो है यहाँ से चेंज करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉपी सेल, फिल सीरीज ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, जिसमें आप फिल सीरीज़ को जैसे ही कैलकुलेट करेंगे या प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मेट के बारे में पूरी जानकारी दे दूँ। नेम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम जिसको जो है बैंक ने ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये हुआ कि कितने रुपए बैंक ने उसको ब्याज पे दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल में जो है इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि कितने परसेंट में दिया गया है पैसा। उसके बाद टाइम दिया गया, कितने टाइम के लिए दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आता है टोटल इंटरेस्ट, यानी कि टोटल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेन अमाउंट प्लस परसेंट अमाउंट, दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद कितना आता है, उसके बाद टोटल अमाउंट कितना बनता है, और टोटल अमाउंट को जो है पर मंथ इंस्टॉलमेंट के हिसाब से किस तरह वसूली की जाती है। उसके बाद उसका कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, बाय मिस्टेक यदि यहाँ पे हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम पुनः यहाँ पे आकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ श्याम, श्याम सिंह हो गया। उसको मैंने जो है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं उसको जो है 55,000 दे के रखा हुआ हूँ, ये 55,000 हो गया। उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ, सपोज दैट 4%। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट टाइम, जैसे कि मैंने उसको 6 महीने का टाइम दिया है कि आप 55,000 रुपये को 4% ब्याज के दर पे आप 6 महीने में उसको पटाएं। तो ये हो गया 6 महीने के बाद। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं हम टोटल इंटरेस्ट की। तो उसके लिए हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, किस तरीके से फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद हम अपने फार्मूला बार से फार्मूला एक्टिव करते हैं। जैसे फार्मूला लगता है बराबर, उसके बाद ब्रैकेट चालू। अब यहाँ पे हम ब्याज लगा रहे हैं 55,000 रुपये की, 55,000 का 4% ब्याज लगता है, टोटल इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम 55,000 इंटू करेंगे 4%, उसके बाद पुनः इंटू करेंगे। इसलिए इंटू करेंगे क्योंकि हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, यदि अगर हम 1 महीने का टाइम देते तो यहाँ पे केवल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट को जो है इंटू करके और जैसे ही एंटर क्लिक करते तो टोटल अमाउंट आ जाता, टोटल इंटरेस्ट आ जाती। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जो दी गई है 6 महीने की दी गई है, इसलिए पुनः इंटू करेंगे और इंटरेस्ट टाइम को जो है सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाता है, यानी 55,000 की 4% के हिसाब से 13,200 रुपये ब्याज बनती है।
और इस 13,200 ब्याज का टोटल अमाउंट हमको यहाँ पे जोड़ना है। टोटल अमाउंट का मतलब ये हुआ कि 55,000 प्लस 13,200, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए हमको पुनः फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। तो फार्मूला के लिए हम बराबर, उसके बाद ब्रैकेट चालू, 55,000 प्लस 13,200, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद, और जैसे ही एंटर दबाएंगे तो हमारा टोटल अमाउंट बनता है 55,000 प्लस 13,200, यानी 68,200 रुपये बना। अब इस 68,200 रुपये को पर मंथ की इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उस पर हम फार्मूला लगाएंगे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए जो है पुनः हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूला हमारा कैसे लगता है कि यहाँ पे 68 सिख बरा, इसके लिए पुनः हमको बराबर, उसके बाद ब्रैकेट चालू, उसके बाद टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे यानी कि हम भाग देंगे। भागित कितना हम भाग दे रहे हैं, 6 महीने का। तो यानी कि 6 महीने का मतलब ये हुआ कि हमारी 68,200 की प्रति महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो कितने रुपए बनती है। तो यहाँ पे 6, उसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 11,366 रुपया 66। ये अपना पॉइंट में आ गया, 66 पैसा आ गया, यानी कि 11,366 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम 6 महीने में पैड करेंगे तो हमारा 68,200 रुपये अमाउंट बनता है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारा एक्चुअल में 68,200 रुपये अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ कैलकुलेटर करेंगे, तो उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, बराबर ब्रैकेट चालू, उसके बाद 6 × 11,366 रुपये, इसको हमने क्लिक किया, उसके बाद ब्रैकेट किया बंद और एंटर। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 68,200 रुपये टोटल अमाउंट बन रहा है। तो दोस्तों इस तरीके जो है कोई भी बैंक या कोई भी व्यापारी यदि अगर वह ब्याज पे पैसा चलाता है और अपने पैसे को एक्सेल में स्टोर करके रखता है, उसको कैलकुलेट करके रखता है ताकि उसको जो है किसी भी चीज़ की कोई समस्या ना जाए, उसको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना जाए और वह खुद ब खुद जो है अपना काम कर सकता है। तो इसी तरीके अभी मैं किसी एक व्यक्ति की जानकारी दिया हूँ। यहाँ पे यदि अगर किसी बैंक के पास या किसी व्यापारी के पास एक से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं तो यहाँ पे उस व्यापारी जो है अपने कस्टमर का नाम लिखेगा, उसका अमाउंट लिखेगा कि मैंने कितना अमाउंट दिया है, उसका परसेंट लिखेगा मैंने कितने परसेंट पे दिया है। सपोज़ यहाँ पे मैं दूसरा बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे दूसरा नाम मैं दे रहा हूँ गिरधारी, गिरधारी को जैसे मैंने यहाँ पे दिया कितना, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे मैंने 1,000 रुपये दिया, और उस 1,000 रुपये को मैंने कितना 9% ब्याज पे दिया, और कितने महीने के लिए दिया, मान के चलिए कि 3 महीने के लिए दिया। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, और फार्मूला लगाने के लिए मुझे पुनः किसी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने पहले वाले कॉलम में, पहले वाले सेल में फार्मूला लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा और ऐसे नीचे की ओर ड्रैग करूँगा तो उसको अमाउंट आ जाता है, टोटल इंटरेस्ट उसकी आ जाती है यानी कि 270 रुपये, यानी 1,000 के 9% के हिसाब से उसका 270 रुपये ब्याज बनी। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट उसका जोड़ दूँगा तो टोटल अमाउंट उसका आता है 1,270 रुपये। उसके बाद पर मंथ, यहाँ पे मैं उसके लिए पर मंथ का कैलकुलेशन करूँगा, तो पर मंथ के लिए जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो 423 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो है वह पैड करेगा, और यहाँ पे लास्ट कैलकुलेशन करने के लिए पुनः ड्रैग करूँगा तो 1,270 रुपये अमाउंट आता है, यानी 1,270 रुपये अमाउंट आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके जो है ब्याज पे चलाने वाला पैसा, इंटरेस्ट पे चलाने वाला पैसा होता है, या बैंक जो है अपने बैंक में किसी व्यक्ति विशेष की पूरी जानकारी, उसका परसेंटेज, उसका अमाउंट इसी तरीके जो है एक्सेल में मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके साथ साथ आपके साथियों को भी कंप्यूटर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।